नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा की ओर से घोषित सूची में हरियाणा में पिछड़ी जाति ए कैटेगरी के साथ लोकसभा चुनाव में टिकटे न देकर खिलवाड़ किया गया है। इतना ही नहीं, भाजपा ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हरियाणा में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलकर समस्त जनता को भ्रमित करने का काम भी किया है। यह कहना है करनाल की कांग्रेस पार्टी की महिला नेत्री रानी कंबोज का। वे अपनी टीम के साथ करनाल में घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस अभियान के बाद मीडिया से बातचीत कर रही थी। अभियान के तहत उनके साथ अंशुल लाठर, अमनदीप, दलबीर सिंह, रामधारी और मुकुल वर्मा भी मौजूद रहे। करनाल नगर निगम वार्ड नंबर 11 से एमसी प्रत्याशी रही रानी कंबोज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में दिन प्रतिदिन लोगों की आस्था बढ़ रही है और लोकसभा चुनाव में बीसीए समेत समस्त वर्गों की जनता हरियाणा में कांग्रेस गठबंधन को सभी 10 सीटें एवं विधानसभा करनाल उपचुनाव जिताएगी। करनाल से हमारे संवाददाता सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, मैं रानी कंबोज करनाल। दोस्तों, चुनावी बिगुल बज चुका है भाजपा की तरफ से ही। अभी तो उन्होंने 20 दिन पहले ही अपने प्रत्याशी भी डिक्लेयर कर दिए, एमएलए के लिए भी और एमपी के लिए भी, क्योंकि अभी करनाल का भी उपचुनाव होना है, विधानसभा भी सुनी हो चुकी है क्योंकि यहाँ का विधायक भी नहीं रहा और सीएम खट्टर जो थे वो भाग चुके हैं और एमपी के लिए अब तैयार हुए हैं। देखिए, ऐसी क्या मजबूरी थी कि क्या इन्हें एमपी के लिए कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा था? जो चलती सरकार को बीच में ब्रेक लगा दी, योजनाओं को जो योजनाएं घोषित हो रही थी लगातार उन पे ब्रेक लगा दिया, चलती सरकार में से इस तरह से हटा के और एमपी के लिए कैंडिडेट उसी सीएम को उसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा कर दिया जो पहले वहां सीएम रहा। ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है, लेकिन ये भाजपा है, ये कहते हैं कि हमारे में तो कुछ भी किसी को भी कोई भी जिम्मेदारी दे दी जाती है और वो उसको बखूबी निभाता है। लेकिन क्या जनता के लिए निभाते हैं? जनता की भलाई के लिए आपको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, क्या जनता की भलाई के लिए आपको एमपी के लिए चुना? ऐसा क्या आप कर देने वाले हो अब एमपी बनके? जब आप मुख्यमंत्री रहते हुए फेल हुए हो, आपसे त्याग पत्र लिया गया है, आपसे विधानसभा का भी त्याग पत्र लिया गया और आपने सफाई के रूप में कह दिया कि सीएम सिटी अब सीएम सिटी ही रहे, इसलिए मैंने अपनी विधानसभा छोड़ दी और जो हमारे मुख्यमंत्री इस बार बने हैं नायब सिंह सैनी, उनको करनाल से ही इलेक्शन लड़ाया जाएगा। तो अगर सीएम सिटी की इतनी फिक्र थी तो फिर सीएम सिटी तो थी पहले ही, फिर आप क्यों भागे? फिर रहती थी, रहती। और अगर आप ही के नक्शे कदम पे, नायब सिंह सैनी का पहला बयान आया कि मैं मुख्यमंत्री के नक्शे कदम पे काम करूंगा, तो जब आप ही के नक्शे कदम पे उसने भी चलना था तो फिर आप ही रह लेते। किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? बीसी को, बीसी को चेहरा दिखाया जा रहा है, जनता का बेवकूफ बनाया जा रहा है, जबरदस्ती एक इलेक्शन का और बोझ डाला जा रहा है कि आपके पास एमपी को कोई कैंडिडेट नहीं था, हरियाणा की जो विधानसभा थी वो एज इट इज रह जाती, जो भी प्रक्रिया चल रही थी, और आप एमपी का कैंडिडेट उतार देते। लेकिन आपसे कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि आप ना कुछ संभाल पाए, ना आपसे अब एमपी के लिए, आप सिर्फ मोदी के लिए मरने को रहते हो। और किस आधार पे अब नायब सिंह सैनी वोट मांगेंगे करनाल से? क्या किया उन्होंने करनाल के लिए आज तक? कितना जानते हैं वो करनाल को? कार्यकर्ताओं को भी नहीं जानते। 20 दिन से दिखा रहे हैं बड़ा जोर शोर से कि भाजपा तो प्रचार कर रही है, जबकि हर जगह अपने कार्यकर्ताओं का ही सम्मेलन करे, अपने कार्यकर्ताओं को ही संबोधित कर रही है, क्योंकि नायब सिंह सैनी से परिचय ही हो रहा है अभी तो करनाल के कार्यकर्ताओं का। अब वो संतुष्ट होंगे या नहीं, उनकी ऊर्जा रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन कांग्रेस की ऊर्जा बहुत बढ़ चुकी है। ऐसे में हमें क्लियर हो चुका है कि हम इलेक्शन अब यहां से एमपी भी हराएंगे इनको और इनको एमएलए भी हराएंगे। हम दुरुस्तगी से बढ़िया अपनी तैयारी कर रहे हैं और बढ़िया कैंडिडेट उतार के देंगे ताकि तुम्हारे अब वो जंजाल नहीं चले, झूठ के जंजाल में। मैं अब मेरे करनाल की जनता से आग्रह करूंगी कि ये चीजें समझ लेना कि कितना काबिल आपको सीएम दिया गया है नायब सिंह सैनी, कितना काबिल है, क्या जानते हो आप उसके बारे में और क्या वो जानता है हमारे बारे में? 9.5 साल से तो ये सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे थे, अब एकदम से उनको बिठा दिया। जब जवाबदेही का समय आया, जब इतनी दिक्कतें देके हर प्रोग्राम इनका फेल हुआ, हर योजना इनकी नाकामयाब साबित हुई है, उन सब नाकामयाबी को ठीकरा लेके नायब सिंह सैनी यहाँ आए, कामयाबी का कोई सहरा बांध के नायब सिंह सैनी नहीं उतरे हैं। तो जनता के साथ
अब नए सिरे से खिलवाड़ करना चाहते हैं, लेकिन मैं आग्रह करती हूँ कि अब हम लोगों को भी ये समझना है कि करनी का फल यहीं पे है। बड़े अभिमान में खट्टर बोलते थे, हर एक उनके जनमिलन सम्मेलन में हर जगह इन्होंने यही किया, लोगों के साथ इंसल्ट की लोगों की। करनाल में तो बहुत अभिमान से रहने लगे थे, तो ये तो इनका अभिमान तोड़ा है इनकी पार्टी ने, और इन्होंने हमारे लिए करनाल के लिए कोई त्याग पत्र नहीं दिया, अपनी पार्टी के लिए किया, जो भी किया अपने मोदी के लिए किया। मोदी के नाम पे खट्टर वोट मांग रहा है, खट्टर तो खुद अपने नाम पे वोट नहीं मांग रहा है, वो तो खुद मोदी के नाम पे वोट मांग रहा है, और नायब सिंह सानी को कह रहा है कि मेरी जगह खट्टर की जगह पे अब ये आएंगे, तो वो वोट किसके नाम पे मांगेगा भाई, खट्टर के नाम पे। तो खट्टर अब जब खट्टर मोदी के नाम पे वोट मांग रहा है, नायब सिंह सैनी अपने नाम पे मांग नहीं सकते क्योंकि करनाल के लिए कुछ किया नहीं, करनाल से परिचित अच्छी तरह नहीं है, और खट्टर के नाम पे वो वोट मांग नहीं सकते क्योंकि खट्टर को तो किसी कमी की वजह से ही हटाया है। तो कुल मिला के नायब सिंह सैनी भी मोदी के नाम पे वोट मांगेगा और खट्टर भी मोदी के नाम पे वोट मांगेगा। तो मेरे करनाल वासियों, आप समझ जाइए, मोदी ने आपके लिए कुछ नहीं किया, जो जो घोषणाएं की थी उनमें से एक भी पूरी नहीं हुई है, तो दोनों के दोनों नाकारा हैं, काम में कामयाब नहीं हुए हैं, तो इस वजह से उनको फील्ड में उतारा गया है ताकि अपनी करनी अपनी भरनी इन पे लागू हो सके। ये मोदी के नाम पे वोट मांगेंगे, अपने नाम पे कुछ नहीं कर सकते, ना हमारे लिए कुछ कर सकते, तो इस बार कांग्रेस को लाइए, कांग्रेस के साथ ही हम विकास कर पाएंगे। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।